कैसे शूट किया जाए, आध्यात्मिक मार्ग पर चला जाए। बैठ आपने जो कहा आत्मा का अर्थ यहाँ पर देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण है। वास्तविक आत्मा तो शुद्ध बुद्ध मुक्त ही है। जो सावयव वस्तु होती है उसमें मलिनता होती है, विभु है, स्वप्रकाश है, सत है, चित है, आनंद है। सचमुच में आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ही है। जब आत्मशुद्धि कहते हैं तो उसका अर्थ होता है देहेंद्रीय प्राणांतःकरण की शुद्धि। आत्म तत्व का अभिव्यंजक संस्थान देहेंद्रीय प्राणांतःकरण है, उसकी शुद्धि कैसे हो। महायज्ञ ब्राह्मीयम क्रियते तनु, महायज्ञों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा अंगन्यास करन्यास भूशुद्धि वर्णाश्रमोचित धर्म के अनुपालन से देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में दिव्यता की अभिव्यक्ति होती है। कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम ऐकाग्र्यर्थम उपासना रीते ज्ञानान्न मुक्ति ज्ञानादेव तु कैवल्यम। स्ववर्णाश्रमोचित धर्म का पालन करने पर देहेंद्रीय प्राणांतःकरण का शोधन होता है। मिट्टी के द्वारा, जल शुद्ध जल के द्वारा स्नान आदि विधिवत करें, शौचाचार का पालन करें तो शरीर शुद्ध होता है। दांत इत्यादि छूना पड़े तो हाथ धो लें, आचमन करें। मलमूत्र त्याग की जो विधा है, उसके बाद जो शुद्धि संपादन की विधा है उसका अनुपालन करेंगे तो शरीर की शुद्धि होगी। अहिंसा सत्य अस्ति ब्रह्मचर्य परिग्रह शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, इनके द्वारा कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रियों की शुद्धि होती है। आसन से स्थूल शरीर की भी शुद्धि हो जाती है, प्राणायाम से प्राण की शुद्धि होती है, प्रत्याहार धारणा से मन की शुद्धि होती है, ध्यान से और समाधि से बुद्धि की शुद्धि होती है, अष्टांग योग के परिपालन से आत्मशुद्धि होती है। अर्थात देहेंद्रीय प्राणांतःकरण भगवत प्राप्ति के अनुकूल होता है।